रामेश को मैं समझना ही चाह रहा हूं, इस पर क्या आपको समझ क्या आ रहा है? जो कांग्रेस को वोट देना चाहेगा वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के चेहरे पर वोट करेगा, या खड़गे जी, या दिग्विजय सिंह, या मनीष तिवारी के चेहरे पर वोट करेगा? एक जैसे बात को एक जानना, सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मैं और बात को क्लियर कर दूं, भाजपा को जो भी वोट पड़ेगा एक सिंगल वोट से लेके जितने भी पड़ेंगे, सारे वोट नेता के चेहरे पर पड़ेंगे, अध्यक्ष के चेहरे पर नहीं। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए समझने में, ठीक? अध्यक्ष सांगठनिक काम के लिए है, संगठन चलाने के लिए, ठीक है, उसमें भी एक जरूरत होती है, ठीक है। लीडर वो है। खड़गे को आप किस भूमिका में रखेंगे? क्या ये स्थिति है खड़गे के पास, उतना बड़ा पैन इंडिया है, उनकी हैसियत है कि कांग्रेस को जो वोट देना चाहता है, नया नहीं, जो देना चाहता है, वो ये कहे कि नहीं आप खड़गे जी के नाम पे देंगे, या अभी भी राहुल गांधी के नाम पर फैसला होगा, अच्छा हो या बुरा हो? नवेशिको जी पहली चीज तो ये कि इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, हम आप तमाम लोग, उनको पता है खड़गे जी के बारे में, उनकी बैकग्राउंड पता है, वो दलित हैं, ये चर्चा हम लोगों ने की, वो कितने काबिल हैं, संसद में कैसे बोलते हैं, उनका क्या इतिहास है, कितने सीनियर हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात बहुत कड़वी है, अंशु अवस्थी जी को शायद बुरी लगे, तो उत्तर प्रदेश की आम जनता जो सबसे बड़ा वोट बैंक होती है, उनसे एक सर्वे करा कर देख लीजिए और मालूम करिए कि खड़गे जी है कौन। नहीं जानते होंगे, 100 में 90-95 लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे। ये तो बहुत दूर की बात है कि वो दलित हैं, या दलितों के लिए कुछ करेंगे, या अपने वोट बैंक के लिए कुछ करेंगे। तो आम बात तो यह है कि वो बहुत ही लोकप्रिय नेता नहीं है, और उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में उनको कितने लोग जानते हैं, इसको महसूस तो करिए। जो सबसे बड़ी चुनौती है, खाक उड़ रही है उत्तर प्रदेश में। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस सबसे बड़ा जो बिल्ला लगाए हुए घूमती है और बार बार कहती है कि भैया हम तो जातिवादी नहीं है, खासतौर से यूपी में कहते हैं कि साहब भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति करती है, सपा बसपा जाति की राजनीति करती है, तो वो जाति को भुलाएंगे कैसे? पहली चीज, खड़गे जी के को कोई जानता नहीं है, खड़गे जी दलित हैं और वो उनके लिए कुछ करेंगे अगर सरकार बनेगी, वो कहेंगे किस मुंह से, जो बार बार ये कहते हैं कि भाई हम तो जातिवादी है ही नहीं। दूसरी बात ये कि स्ट्रैटजी, उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए, आपने से पहले सवाल किया था, मैं जवाब नहीं दे पाया था, कि सबसे बड़ी बात है कि यूपी में तो कुछ है ही नहीं। यूपी की प्रभारी प्रियंका जी ने बहुत यहाँ रेस लगाई, चुनाव से पहले खूब दौड़ी, खूब फुटेज भी उन्होंने लिए, बाकायदा एक स्क्रिप्टेड उन्होंने काम किया और अच्छा काम किया। सर वो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, कोई भी नेता किसी भी नियत से अगर सड़क पे जाता है तो उसकी तारीफ करनी होगी। लेकिन आप ये बताइए कि प्रियंका जी ने आना छोड़ दिया है, अध्यक्ष कौन है कुछ पता नहीं, संगठन का कोई अता पता नहीं, ठीक, तो सवाल इस बात का है कि यूपी जहां जाति की राजनीति पैदा होती है, जहां जाति की राजनीति बुनाई जाती है, ठीक, वहां मुझे तो नहीं लगता है कि ठीक कोई असर होगा जी। ठीक बात, नवेश को ने एक बात और कहते, अंशु भाई आप एक पास आ रहा हूं, चीजें साफ होती रहे तो बहस में थोड़ा आनंद आता है। नवेश को ने शुरुआत में एक बात और कही थी कि भाई देश भर की मीडिया में कांग्रेस की चर्चा हो रही है, कांग्रेस के लिए बड़ी बात है, पॉजिटिव बात है। याद कीजिए जब यूपी विधानसभा का चुनाव था तो प्रियंका जी भी अखिलेश यादव के बराबर ही फुटेज ले रही थी, और कहीं जगह बार तो ज़्यादा भी, ठीक। वोट शेयर में अंतर देख लीजिए, सीट में अंतर देख लीजिए, टीवी पर चर्चा होना फायदेमंद काम नहीं है ना? ये गलत, ये बात मैं अपने भाई नवेश को से कहूंगा, ये कोर्स करेक्शन करो भाई थॉट प्रोसेस में। टीवी पर चर्चा होने से कुछ लाभ नहीं, राई रत्ती लाभ नहीं। भाजपा को लाभ मिला जब कुंडी खटखटा के राजस्व विभाग के बाबू ने कहा कि भाई ये लो 30 किलो राशन का पैकेट पकड़ो, क्या टीवी से नहीं होता ना? मैं विधानसभा के चुनाव में घूमा था, उत्तर प्रदेश कुछ जगह गया था, वहां का जो वंचित वर्ग है, जो सामान्य जन है उत्तर प्रदेश का, उसको दुनिया कहानी से मतलब नहीं, उसने टीवी पर भी मोदी जी का कोई भाषण याद हो उससे ऐसा भी नहीं। उसने कहा कि भाई कोरोना में मोदी ना होते तो भूख मर जाते, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई, कोई घोषणा पत्र मुझे किसी ने नहीं दिखाया। ये मसला है, भारत का मिजाज थोड़ा अलग है, हम लोगों को ऐसा लगता है। अब थरूर साहब बताओ, चुनाव कांग्रेस के चुनाव में घोषणा पत्र लाए हैं, कांग्रेस के जो डेलीगेट है उनमें से 10% इंटेलेक्चुअल्स को हटा दीजिए,
किसी पार्टी के हों, कांग्रेस भी बुरा ना माने, सब मेरे मित्र हैं, उनका घोषणा पत्र से कोई लेना देना, थरूर की अंग्रेजी भगवान का नाम लो, कौन पढ़ पाएगा, और पढ़ ले समझ कौन पाएगा। ठीक है, अच्छा है, प्रयोग है। अंशु भाई मसला वही है कि कांग्रेस का रिवाइवल तब तक नहीं हो सकता, केरल और कर्नाटक कांग्रेस का रिवाइवल नहीं कर सकते, वहां अच्छा करे चाहे बुरा करे कांग्रेस। ठीक, कांग्रेस का भला तब हो सकता है जब उत्तर प्रदेश और बिहार उसके साथ जाए, और जब से उत्तर प्रदेश और बिहार ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा उसी दिन से कांग्रेस, मुझे याद है जब कांग्रेस का जितेंद्र प्रसाद जी ने तालमेल कराया था बसपा से नरसिंह राव के समय में, क्या वहां से कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ और आते आते ये परिस्थिति बन गई। यहां खड़गे जी क्या करेंगे, यहां तो राहुल गांधी पर ही फैसला होगा। अंशु जी, अमिताभ जी आपकी जो टिप्पणी है वो गंभीर है निश्चित तौर से, और उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, अभी सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता और सामने है वो तो हमारे सामने हमारे संगठन का चुनाव है जी। कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है, थरूर साहब भी लड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी लड़ रहे हैं, त्रिपाठी जी भी झारखंड के पूर्व मंत्री रहे वो लड़ रहे हैं, तो चुनाव के बाद हम इस पर रणनीति बनाएंगे, चुनाव के बाद इस पर काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ज्यादा पार्टी मजबूत हो। हम चुनाव में जो हमारा वोट प्रतिशत घटा, जरूर घटा, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में सभी इस बात को लेकर इस बात को कहते हैं, और नावेद शिको जी ने भी इस डिबेट में बात कही कि प्रियंका गांधी जी ने जितना संघर्ष जनता के मुद्दों पर किया, जितनी मजबूती से वो जनता की आवाज उठाने में सफल रही, सड़क पर लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, शायद ही विपक्ष में कोई ऐसा नेता लड़ा हो और सरकार को झुकना जी। ठीक बात अंशु भाई, आगे हम अपनी रणनीति को और दुरुस्त करेंगे और मजबूत करेंगे। ठीक ठीक, अच्छी बात है। ये अंशु जी ने जो जवाब दिया, मुझे ये जवाब भी अच्छा लगा और ये टोन जवाब से भी ज्यादा अच्छी लगी। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों का भाव और आवाज यही होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, ये है लोकतंत्र का सम्मान, यही भाव होना चाहिए। बिमल सिंह के पास चलूंगा, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया भी लूंगा, लेकिन एक बात कहूं, 365 दिन, ये बात मैं भाजपा के कारण नहीं कर रहा कि भाजपा का प्रादुर्भाव हुआ और मोदी योगी की जोड़ी ने कोई बहुत मतलब राजनीति का व्याकरण बदल दिया, पूरी तरह से नहीं, कुछ बदला, पूरा तो कोई नहीं बदल सकता। इंदिरा जी भी 365 दिन 2400 घंटे राजनीति जीती थी, राजनीति ही जीती थी, वो पार्ट टाइम वाला काम नहीं भाई अब चलेगा ना। ठीक है, मैं नावेद शिको की बात मान लेता हूं, हमारे मित्र हैं, मान ली उनकी बात कि प्रियंका जी ने मेहनत की चुनाव के समय, उससे पहले और उसके बाद अब कोई पूछनहार है कि लला भूखे हो कि खाया है, नहीं ना। अब नसीबुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर छोड़ दिया प्रदेश क्या भैया, खेती में बीज डालने के बाद उसकी पूरी देखरेख करनी पड़ती है, फसल कटाई से लेके और गट्ठर बना के मंडी तक ले जाना पड़ता है मालिक, ऐसा थोड़ी कि भाई बीज डाल के बोले फिर भूल गए यार पता नहीं, ये मसला है। बिमल सिंह जी आप कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को तकलीफ इस बात से है कि हमने एक दलित नेता को अपनी सबसे बड़ी कुर्सी के लिए नामित किया है, चुनाव में उतारा है। निवेल जी देखिए, मैं अमिताभ जी बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मोटो पहले आपको बता दिया था, और रही बात देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे लेकर चलती है, दलित बात की बात करें, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है रामनाथ कोविंद जी को जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था, अभी आप देखा द्रौपदी मुर्मू जी को जो है महामहिम जी को जो है आदिवासी समाज से भारतीय जनता पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है उम्मीदवार बनाया, हमने किसान को भी देखा
जगदीप धनखड़ जी एक किसान परिवार के रहने वाले हैं, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं बात करूंगा केंद्र सरकार में, तो युवाओं को भी मौका दिया गया, महिलाओं को भी मौका दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ सबको साथ लेकर चलते हैं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और आप कहते हैं मौका दिया, क्यों आप नौजवानों का मजाक उड़ा रहे हैं? हम हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आप एक चीज देखिए, आपके पास तो सबसे पहले ये अध्यक्षीय प्रणाली का कार्यकाल कितने साल तक चलता है ये आपके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, हम लोकतंत्र से चलते हैं, हम हमेशा जो है लोकतंत्र से चलते हैं, हमारा लोकतांत्रिक चुनाव होता है। आप जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनाव लड़ रहे हैं, अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन रिमोट उन्हीं के पास होगा, रिमोट जो है सोनिया गांधी जी के पास होगा, सोनिया गांधी जी रिमोट से जो है खड़गे जी को चलाएंगी। जैसे मनमोहन सिंह जी को 2009 से लेकर 2014 के बीच में मनमोहन सिंह जी रिमोट से चल रहे थे, वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी रिमोट से चलेंगे। 80 साल के लक्ष्य पर जो है विश्वास कर रहे हैं आप। युवाओं के बारे में जो है मल्लिकार्जुन लेकर आते हैं, युवाओं के बारे में कहते हैं, आपने देखा किस तरीके से अडानी जी रिमोट घटाएंगे बढ़ाएंगे, आपको नौजवानों से कोई मतलब नहीं। नौजवानों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी फैसला लेकर आती है, योजना लेकर आती है। बेरोजगारी का उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे 2017 से पहले 17-18 था, आज 2.8 बचा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है। देखिए यही होगा, हमारे यही होगा, आपका रिमोट यही होगा। 1998 से लेकर 2017 तक कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं मिला था, कोई दलित नहीं था, कोई नौजवान नहीं था, कोई महिला नहीं थी। गांधी परिवार की एक ही सदस्य सोनिया गांधी थी। उत्पादन महंगा हो रहा है। 2017 में राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया, सोनिया गांधी जी के पास आपने देखा 2019 में किस तरीके से भाई भाई मैं दोनों 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 मित्रों को रोकूंगा, दोनों 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 मित्रों को रोकूंगा। अमिताभ जी बोलने का मौका दिए, बोलने दीजिए। अंशु जी दो मिनट उनकी बात आ जाए, ठीक अंशु भाई दो मिनट उनकी बात आ जाए। वो आप जब बोल रहे थे वो नहीं बोले थे अंशु भाई ना, जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोले थे ना, उनकी बात आ जाने। हमारे पास नहीं है रिमोट आपका, सुनो ना, आपका रिमोट पार्टी का नाम है अडानी के पास। विधान यहाँ पे दिखा रहे हैं आप, अच्छे तरीके से डिबेट नहीं कर रहे, बीच में टीपा टिप्पणी कर रहे, संवैधानिक पार्टी की बात करते हैं। क्या डिसिप्लिन आपकी पार्टी ने दिखाया कि आप डिबेट के बीच में बोलने लगे? सुनिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए 1998 से लेकर 2017 के बीच में सोनिया गांधी जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं कहना चाहता हूँ क्या उस समय कोई दलित चेहरा नहीं था, या उस समय कोई नौजवान नहीं था, या उस समय कोई किसान का नेता आपको नहीं दिखाई दिया? दूसरी बात, 2017 में राहुल गांधी जी को बना दिया गया, परिवार का एक सदस्य बना दिया गया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी से जो है करारा हार के बाद कांग्रेस ने फिर जो है सोनिया गांधी को जो है कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया। 2019 से लेकर 2022 के बीच में आपको जो है कोई दलित चेहरा नहीं दिखाई दिया, कोई नौजवान चेहरा नहीं दिखाई दिया, कोई युवा नहीं दिखाई दिया। मैं वही कहना चाहता हूँ, ये वही कांग्रेस है 2009 से लेकर 2014 के बीच में जिस तरीके से रिमोट कंट्रोल की सरकार चलाई है, उसी तरीके से रिमोट कंट्रोल की ये पार्टी भी चलाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 80 साल के हैं जी, और उनको चलाने का काम जो है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक।